Hey there guys, आज फिर से मैं एक नया पॉडकास्ट लेके आ गया हूँ। और आप लोग को जैसे कि पता है, आज फिर से ये फुटबॉल के रिलेटेड है। फुटबॉल रिलेटेड मैं लास्ट दो पॉडकास्ट आज से मतलब लास्ट दो पॉडकास्ट से मैं फुटबॉल रिलेटेड कॉन्सेप्ट या कंटेंट ला रहा हूँ। जैसे कि पहले इसके आगे वाले वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने कैसे फीफा वाले मैटर को और AFC वाले मैटर को समझाया है, पर आज का जो कंटेंट है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ये U20 सैफ कंपटीशन के बारे में होने वाला है। क्योंकि आज दो मैचेस थे, दो मैचेस फॉर एल्स किसका किसका मैचेस, एक था बांग्लादेश और नेपाल का और दूसरा वाला था अभी इंडिया और मालदीव्स का। पहले दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। अभी तो इस पॉडकास्ट में जैसे कि आप लोग यहाँ ट्यून इन किए हैं, तो आप लोग को इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग ट्यून इन कर लिए हैं और आप लोग दो आगे वाला पॉडकास्ट देखे हैं, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जैसे कि ये चैनल ग्रोथ करे अपने मोमेंटम पे। और ऐसा अगर हुआ तो ये चैनल अगर ग्रो किया तो मैं और भी सोच रहा हूँ कि इसके साथ और भी ज़्यादा फुटबॉल के कंटेंट लाऊंगा, बहुत सारे डिफरेंट लीग्स का कंटेंट लाऊंगा, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गया, लालीगा हो गया, सीरी ए हो गया, या मतलब और भी जैसे लीग्स हैं जो इंडिया में फेमस है बेसिकली, तो उनका भी लाऊंगा। ISL तो है ही, ISL बहुत जल्दी ही चालू होने वाला है। तो और एक चीज़ आप लोग ने सुना है कि नहीं कि आज फ्लोरेंटिन पोग्बा ने क्या बोला, मतलब एक इंटरव्यू पे उन्होंने बोला कि वो इन ISL का सबसे बड़ा डिफेंडर बनना चाहते हैं। तो ये आप लोग को पता था कि नहीं, लेकिन मुझे तो आप लोग का ये नहीं है मतलब पता नहीं है, लेकिन आज मुझे अपने आप पता चला ये वाला कि फ्लोरेंटिन पोग्बा अपने आप में एक ISL का बेस्ट डिफेंडर बनने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए इसको वीडियो को चालू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का दो मैच और थोड़ा मोड़ा ISL का कुछ न्यूज़ अपडेट्स। सो हियर वी गो। वेलकम बैक गाइज। सो आज का जो पॉडकास्ट है वो आप लोग ने थंबनेल से ही पता चल गया होगा आप लोग को कि इंडिया मालदीव्स और बांग्लादेश नेपाल का गेम का आज चर्चा होने वाला है इस पे। तो जैसे ही आप लोग देखे होंगे कि इंडिया और मालदीव्स और बांग्लादेश और नेपाल और बांग्लादेश वाला थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला जो ये था मैच, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आज का वो वाला मैच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, रैदर ऑन इंडिया और मालदीव्स का, जो बाद में जाके थोड़ा एक्साइटिंग बना। मैं बोलूँगा क्या पिट्स एंड कॉन्स थे आज के, मतलब इंडिया वाले मैच की या क्या बांग्लादेश और नेपाल वाले में। तो बांग्लादेश और नेपाल वाला मैच मैं जैसे बोल रहा था कि उसमें हुआ है ऐसा कि आज सब बांग्लादेश और नेपाल के टीम ने तो मतलब जान लगा के खेला। आप लोग अगर देखे होंगे उसमें तो वो लोग तो जान लगा के खेले ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा जो हुआ आज, पहले से ही ये एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा कि नेपाल का जो टीम है ना, वो अपना पूरा जान झोंक के फुटबॉल खेलती है। उनको देख के ही लगता है कि वो लोग आए हैं टू लाइक यू नो गिव देयर बेस्ट। ऐसा दूसरे टीमों में लगता है कि नहीं लगता है, टेक्निक से खेलते कि नहीं खेलते हैं ये दूसरा बात है। जैसे इंडिया का, जैसे मैंने बोला कि इंडिया का टेक्निक से खेलते हैं, दे प्ले इन अ वेल परफॉर्म्ड मैच वाइज ऐसे खेलते हैं, मतलब टैक्टिक से खेलते हैं, टेक्निक से खेलते हैं। लेकिन ये नेपाल वाले भी टेक्निक्स और इससे खेलते हैं, लेकिन उन लोग को और भी ज़्यादा लगता है कि दे आर हेयर टू विन और लाइक यू नो दे आर जस्ट हेयर टू गिव इट ऑल, लाइक ऐसे टाइप में वो लोग खेलते हैं कि दे गिव वॉट एवर दे हैव इन देयर बॉडी। सो ऐसा ही अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये वाले मैच में जो हुआ नेपाल और बांग्लादेश में, तो नेपाल पहले तो डोमिनेट कर रही थी बांग्लादेश के साथ, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ कि गोल देखा आपने वो नेपाल और बांग्लादेश का, बांग्लादेश का गोल तो चलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हाँ उन लोग का गोल जो है वो मतलब काउंटर अटैक में आ गया, लेकिन नेपाल वाला गोल जो आया था ना भाई, उन लोग का जो जर्सी नंबर 8 आई गेस, माफ़ करना अगर मैं रॉन्ग होगा, तो जर्सी नंबर 8 उन लोग का जो गोल दिया भाई, वो तो सैफ के U20 कॉम्पिटिशन में जितना भी गोल हुआ ना उसमें वो आना चाहिए, मुझे तो लगता है वो आना चाहिए बेसिकली सैफ के U20 कंपटीशन के बेस्ट गोल्स में, क्योंकि वो जो किक लिया गया था ना और कहाँ से था, वो लगता है मेरे को बॉक्स के बाहर से ही था, मतलब गोल बॉक्स के बाहर से था, लेकिन अगर मतलब या सामने भी होगा तो वो बहुत अंदर नहीं था वहाँ से वो मतलब, और वो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, वो जो नंबर 8 वाले प्लेयर थे वो सब्स्टिट्यूट होकर तभी आए थे और वो आके वो गोल किए जस्ट जवाबी, मतलब
मतलब इस पे कार्रवाई पे, जैसे वो लोग जैसे ही वो लोग अपने आप में हावी हो गए बांग्लादेश एक गोल देने के बाद, तो नेपाल भी बैक कम बैक किए वो गोल के साथ, और वो गोल फिनोमिनल था दोस्तों। मैं तो चाहता था कि वो तभी आप लोग को बता दूँ, लेकिन ये वीडियो तक मुझे रोकना पड़ा, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था वो गोल के बारे में, क्योंकि गोल जो था ना वो रियली एक मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द क्लास गोल्स इन दिस टूर्नामेंट। अभी फाइनल का नहीं पता, लेकिन फाइनल का देखेंगे, लेकिन ये गोल तो टूर्नामेंट का क्लास था। और जैसे कि उन लोग के जो नेपाल के जो कोच भी थे वो भी बोले थे कि दे आर हेयर टू प्ले, और वो लोग इतने भी ये भी बोले कि वो इंडिया के साथ अच्छा से नहीं खेल पाए, क्योंकि हो सकता है दैट डे वॉज नॉट फॉर देम, बट जो भी हुआ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विद बांग्लादेश। और बांग्लादेश आज थोड़ा स्ट्रगल करने को दिखा, मेरे को तो दिखा भाई आज थोड़ा स्ट्रगल करने में, और उसके बीच में एक रिफ्ट हो गया था गोलकीपर और या ये मतलब जो डिफेंडर है बांग्लादेश के और नेपाल के कुछ इसके साथ, इवन कि नेपाल वाले कोच जो थे वो भी भिड़ गए थे इस रिफ्ट पे, जहाँ मतलब रेड कार्ड खा गया दो नेपाल के प्लेयर्स, एक रिजर्व बेंच से और एक ग्राउंड से, और वहाँ से एक पहला रेड कार्ड ये भी खाएं बांग्लादेश से। तो ये एक बहुत मतलब अपने आप में एक चर्चे वाली बात है कि खेलते खेलते एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। मुझे पता है आप लोग अगर वर्ल्ड फुटबॉल देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड फुटबॉल में इतना भी ज़्यादा अपना नहीं होता। हाँ, वो अगर आप लोग रैमोस का बात करेंगे रियल मैड्रिड से या स्पेन से तो वो थोड़ा मतलब थे वो, और पेपे का बात करेंगे पोर्तुगल से वो सब वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जब अगर आप देखेंगे ना, मुझे तो हर एक मैच पे ही कुछ ना कुछ झड़प दिखती है किसी दोनों टीम के, इवन हांगकांग वाला बोल रहा हूँ सॉरी, ये इवन अफगानिस्तान के साथ जो झड़प हो गई थी इंडियन मेंस टीम के साथ मतलब आफ्टर मैच, सो ये एक दिखने को मिलता है। और मैंने ये भी मतलब जैसे आप लोग को दिखने को मिलेगा कि कोई भी टीम अगर मतलब जीतती है तो दूसरे वाले सपोर्टर्स को भी वो लोग ज़्यादा डोमिनेट करने का कोशिश करती है। ये मुझे नहीं पता चलता है कि एक डेकोरम होना चाहिए खेल में, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब किसी के ऊपर हावी हो जाए। देखिए दो टीम खेलने आती है, एक हारेगी एक जीतेगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर जो हारने वाले टीम को है उसको पीटने लगूं पकड़ के। तो ये भी देखा गया था अफगानिस्तान और इंडिया के, ज़्यादातर इंडियन फैंस थोड़ा ज़्यादा इमोशन बहा देते हैं, और इसके लिए इसके लिए जो होता है ना ये ऐसा झड़प दिखने को मिल जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ा हमारे टीम में या हमारे फुटबॉल में अपना कल्चर में थोड़ा ये कमाना चाहिए, थोड़ा टॉलरेंस लाना चाहिए, अगली भी टीम खेलने आई है मार खाने नहीं आई है। तो वो हो गया ये नेपाल और बांग्लादेश का जो ये हुआ, लेकिन एट दी एंड वो लोग ड्रॉ कर दिए, और ड्रॉ में बांग्लादेश चला गया फाइनल पे फॉर द फर्स्ट, लाइक यू नो यहाँ से फर्स्ट टीम होते हैं जो फाइनल में चलेगा। अब आते हैं इंडिया और मालदीव्स वाले में, तो इंडिया और मालदीव्स वाले में जैसे आप लोग ने देखा होगा इंडिया और मालदीव्स में पहले से ही जो गेम टैक्टिक्स था ना मालदीव्स का, आज मालदीव्स का मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो लोग दे वर देयर टू डिफेंड इट, जो भी कर ले भाई वो लोग तो आज थे वहाँ डिफेंड करने के लिए, खड़े हो गए थे एक एक आयरन मैन के तरह और वहाँ से डिफेंड ही कर रहे थे, वो लोग खेल तो नहीं रहे थे। मुझे तो इवन एक एक समय ऐसा आया कि मेरे को तो ये भी नहीं दिखा उन लोग का स्ट्राइकर भी मुझे दिखा डिफेंड करते हुए, मतलब सोच लीजिए फॉरवर्ड भी अगर डिफेंड करने में लग जाए तो कौन सा टैक्टिक से वो लोग खेल रहे थे, दे वर हेयर टू जस्ट डिफेंड इट एंड नॉट गिव गोल्स और नॉट कंसीड गोल्स बाय इंडिया, ये मुझे लगा आज उन लोग का ये था, इसलिए उन लोग को ये भी बोला जाएगा कि आज का बेस्ट डिफेंस देखने को मिला। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इंडिया का जो खेलना था आज का वो दिखा, एक मैच्योरिटी दिखा खेला में। आप लोग को क्या लगा आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, एक मैच्योरिटी दिख रहा था आज का अंडर 20 टीम में, ये जो मुझे पहले वाले मैच में मतलब नेपाल के साथ पहले वाले इसमें नहीं दिख रहा था पहले हाफ में, आज पूरा मैच्योरिटी टेक्निक और स्टाइल दिखा, एक खेलने का स्टाइल होता है ना वो मुझे दिखा आज, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि दे वर एक्चुअली प्लानिंग एंड गोइंग अहेड, ऐसा नहीं कि बॉल मिल गया तो दूर से ही किक कर दे रहे जैसे नेपाल के समय किए थे। तो भी डिफेंस आई गिव क्लैप्स टू लाइक यू नो मालदीव्स, बिकॉज देयर डिफेंस वॉज वेरी 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 हार्ड एंड इवन वेरी लाइक यू नो लाइक क्या बोले एक आयरन के तरह खड़ी थी गोल्स नहीं कंसीड करने के लिए। और इंडिया का लास्ट वाला जो गोल था ना माय गॉड, वो आई हैव टू टेल भाई वो बेस्ट था वो हमारे जो मतलब गोलकीपर ये नहीं बोल रहा हूँ सॉरी हमारा जो ये था मतलब फॉरवर्ड थे वहाँ वो गुरकिरत फॉर द नेम जो भी है मतलब उन लोग का नाम तो लिखा है जो भी है वो
बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब पेस के साथ, बेसिकली यू कैन सी वो दैट शॉट वॉज वेरी 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 हार्ड एंड वॉज एक्चुअली द प्रोजेक्टाइल विच केम आउट ऑफ हिज फीट वॉज इंडिस्पेंसेबल, वो रोका नहीं जा सकता था. एंड दैट वॉज वन ऑफ अनदर गोल विच आई एक्चुअली लाइक्ड इन दिस टूर्नामेंट. ये टूर्नामेंट में दो गोल मुझे आज अच्छा लगा. एक था वो नेपाल वाला, क्योंकि और भी दूर से कंसीड किया गया था, मतलब दिया गया था. और आज का जो गोल था ये भी बहुत मस्त था. ये मतलब इट शोड द टेक्निक ऑफ आवर टीम. तो ये बोलने के साथ साथ मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज का जो मैच था ना, मेरा तो लग रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश में जो खेला होगा वो देखने लायक होगा. दोनों ही टीम अपना बेस्ट देगी और दोनों ही टीम आज के मैच से और भी अपना ज़्यादा तैयारी के साथ उतरेगी मैच में जो होगा 5th of August में. तो देखते हैं 5th of August में क्या होता है, सैफ अंडर 20 में कौन जीतता है. आप लोग को क्या लगता है जाके कमेंट्स में बताइएगा. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को. इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक की बहुत ज़रूरत है, जैसे मैं ग्रो कर सकूँ और भी ऐसा कंटेंट ला सकूँ और भी ऐसा पॉडकास्ट ला सकूँ आप सबके लिए. आप अगर इन्जॉय करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि वो लोग भी देख पाए और वो लोग भी ये एनालिसिस क्लिक कर आके यहाँ कमेंट में अपना ये लिख सके कि उन लोग को क्या लगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारा इंडियन फुटबॉल का कल्चर जो है हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जाना है. सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल दैट ऐसे कि हम लोग ऐसे इंडिपेंडेंटली ऐसे खबर ला सके, कुछ भी ला सके जो इंडियन फुटबॉल को रिलेटेड है. ज़्यादातर इंडियन फुटबॉल को रिलेटेड है. आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी फॉरवर्ड थिंग टू इवन डू. सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट टू सी इन इस पॉडकास्ट में, कैसे कैसे कंटेंट देखना चाहते हैं. सो सेइंग दैट इट्स रॉब साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस थिंग. प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन बी सेफ, कोरोना इज गॉन, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर हेल्थ. थैंक यू.